काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की राशन किट लेने की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन कार्यालय में हरभजन सिंह चीमा विधायक नहीं पहुंचे थे। अफवाहों के कारण लोगों की भीड़ इतनी भारी तादाद में विधायक चीमा के कार्यालय पर उमड़ी, जिससे लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़कर रह गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को उनके घर भेज दिया। इसके साथ ही अफवाह फैलाकर पर्ची देकर जनता को विधायक कार्यालय भेजने वाली खड़गपुर पार्षद मंजू देवी के खिलाफ काशीपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मेरा नाम संतोष है। कहाँ से आई हैं आप? खड़गपुर से आए हैं, 10 वार्ड नंबर 10 से। अच्छा, क्या लेना आई थी? राशन के लिए भेजा, अच्छा गरीबों के लिए राशन बट रहा है, अच्छा गरीबों के लिए राशन बट रहा है। चीमा ऑफिस है। किन्ने क्या कह के भेजा ये? पार्षद ने। क्या नाम है पार्षद का? अच्छा, यही पर्ची सबके हाथों। और अब यहाँ पे क्या हुआ है? अब आप हुआ खाली है, खाली है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर्ची ले रहे हैं, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हुआ जाकर लड़ना पड़ेगा। और क्या बात है, जो जनता को क्यों परेशान करते हो? गर्मी में क्यों परेशान कर रहा हो? 20-20 रुपए तो ऑटो वाले ने ले लिया। ये बिजेंदर कौन है? हमारा पार्षद का। कहाँ का? खड़गपुर का। ये तो मंजू देवी कौन है? ये फिर सुमा देवी। सुमा मंजू देवी कौन है? मंजू देवी कल ये दिन में सूचना मिली थी कि जो माननीय विधायक काशीपुर है उनके ऑफिस के बाहर करीब 150-200 महिलाएं एकत्रित हो गई थी। तो मौके पर जब पुलिस गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमें जो पार्षद हैं मंजू देवी खड़गपुर देवीपुरा के, उनके द्वारा एक पर्ची दी गई है और उसमें लिखा गया कि राशन का वितरण विधायक के द्वारा किया जाएगा। तो ये जानकारी प्राप्त करने पर वो लोग इकट्ठा हुए, जबकि विधायक के द्वारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया था। तो इसमें जो है जो पार्षद है मंजू देवी उनके ऊपर जो है आपदा अधिनियम और महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।